तो दोस्तों आप सही स्वागत है आप सही के अपने YouTube चैनल पर। आज है 18 अप्रैल 2021 और आज की पहली पाली का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। हमारे पास 25 GK GS और करंट अफेयर्स के बिल्कुल सटीक क्वेश्चन आ चुके हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका आगे की शिफ्टों में पेपर लगा हुआ है या आज की पहली पाली का पेपर दे के आ रहे हैं, वो अच्छे से एनालाइज कर लीजिए कहाँ से कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठाया जा रहा है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी को इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिलने वाले, तो आप लोग अंत तक जोर देखेंगे आज के इस वीडियो को। साथ ही साथ अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब विदवे से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर अभी बात करें तो 9400 से ज़्यादा छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर। आप लोग सर्च करिएगा सरकारी जॉब विदवे, यहाँ पे दोस्तों आप सभी को PDF अवेलेबल कराई गई हैं। सभी सब्जेक्टों के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, स्टैटिक, GK GS और करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं। अगर आप लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये टेलीग्राम चैनल काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाला है। आज ही जाके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आप सभी को PDF में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका जो एनालिसिस है वो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ का लाभ आप सभी को मिलता रहेगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे भी दोस्तों हमने यहाँ पे आंसर लिख के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक है, PDF में जो है आपको आंसर भी मिल जाएंगे। और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है आपका 5 नवंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर है UP, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य है जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला जो पहला राज्य बन गया। ठीक है, तो UP इसका सही उत्तर था। हाल ही में किस देश ने हरिवंश राय बच्चन के नाम से एक चौराहे का नाम रखा है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है आपका पोलैंड। ठीक है, पोलैंड देश ने हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का जो है नाम रखा है। ठीक है, तो पोलैंड इसका राइट आंसर है। देखिए, अगर आपको GS में स्कोर करना है ना, तो हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि आपको मैक्सिमम जो है, अगर आपने अभी तक ही करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है ना, तो आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका करंट अफेयर ही GS में जो है स्कोर बढ़ा सकता है। और करंट अफेयर आप लोग अगर पढ़ना ही चाहते, कम से कम करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते, तो आपको एक सजेशन है कि दिसंबर का और जनवरी का आप लोग करंट अफेयर अच्छे से पढ़ने हो सके तो फिर आप लोग फरवरी का भी कर लें। ठीक है, क्योंकि इन अगर आप लोग इतना करंट अफेयर 3 मंथ का कर लेते हैं, ये तो पक्का है कि आपके 4 से 5 नंबर, तो आपके करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन आप सभी के इन्हीं 3 मंथ से आपके फंसने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ये जो 3 मंथ हैं आपका, फरवरी है, दिसंबर है, जनवरी, इन 3 मंथों का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही होगा, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे यहाँ पे दोस्तों अगर कट ऑफ क्लियर करना है तो आपको तो भैया GS में अच्छा स्कोर करना ही होगा। अगला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही उत्तर था आपका डॉक्टर माइकल ईरानी। ठीक है, डॉक्टर माइकल ईरानी को IWF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है। तो आपका डॉक्टर माइकल ईरानी सही आंसर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में जो है किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको बताते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई थी आपकी 2020 में, किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था बेलारूस। ठीक है, बेलारूस इसका राइट आंसर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में जो है बेलारूस को फर्स्ट जो पोजीशन है वो प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों आपको बता दें नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मीर बख्शी। ठीक है, अकबर के शासनकाल में जो सेना प्रमुख होता था उसको हम लोग मीर बख्शी के नाम से जानते थे। मीर बख्शी इसका क्या था, सही उत्तर था, राइट आंसर था। इसी प्रकार से बांदीपुर का जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है कहाँ पर है? ठीक है, बांदीपुर का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर कर्नाटक है। कर्नाटक में जो है बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है। ठीक है, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस जो है विद्यमान रहती है? ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस विद्यमान रहती है? तो आपको राइट आंसर बताना है। तो आपको बता दें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है। सॉफ्ट ड्रिंक में
कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस विद्यमान रहती है। अब एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हंसने वाली गैस, ठीक है, हंसने वाली गैस जिसको हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, हंसने वाली गैस का आपको सूत्र या रासायनिक नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है, रासायनिक सूत्र और नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, देखते हैं कितने कैंडिडेट जो हैं इसका नाम जानते हैं, क्योंकि ये लगभग हर साल हर SSC के एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाला एक पॉपुलर क्वेश्चन है GS में, ठीक है। सूर्य में कौन से तत्व जो हैं विद्यमान रहते हैं, सूर्य में कौन से तत्व विद्यमान रहते हैं आपको बताना, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, तो आपको बता दें हाइड्रोजन और हीलियम इसका राइट आंसर है। हाइड्रोजन और H+HE का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, वो सूर्य में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, H+ हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर जो होता है सूर्य में सबसे ज़्यादा विद्यमान रहता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, ठीक है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो दोस्तों आपको बताना है राइट आंसर। आपको बता दें भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी आपकी थी आलम आरा, ठीक है, आलम आरा इसका राइट आंसर था। भारत की पहली बोलती फिल्म आपकी आलम आरा था, ठीक है, आलम आरा इसका सही उत्तर है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का जो नया अध्यक्ष है किसे चुना गया, ठीक है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर था, राइट आंसर था, वो था आपका राजीव जलोटा, ठीक है, राजीव जलोटा जी को यहाँ पे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का जो है नया अध्यक्ष चुना गया था, राजीव जलोटा यहाँ पे इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है, राजीव जलोटा जी को यहाँ पे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व जो है घोषित किया गया, तो आपको बता दें मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व पड़ता है जिसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व जो है अभी हाल ही में घोषित किया गया, तो राइट आंसर क्या है, पन्ना टाइगर रिजर्व इसका राइट आंसर था। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व जो है घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है अंतिम मुगल बादशाह कौन था, ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था, ठीक है, तो आपको बताते हैं बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, अंतिम मुगल बादशाह का नाम जो था बहादुर शाह जफर इसका सही उत्तर था, उसमें जो राइट आंसर था बहादुर शाह जफर इसका सही उत्तर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका कि प्रकाश सबसे तेज़ गति से यात्रा करता है, ठीक है, कहाँ पर करता है, तो आपको बता दें प्रकाश की जो गति होती है सबसे तेज़ होती है निर्वात में, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है गति होती है वो सबसे तेज़ होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में, ठीक है। और जितने भी हमारे छात्र देख रहे हैं आज की ये वीडियो, आपको बता दें अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है, रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है, तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना आप लोग उनको अच्छे से एनालाइज करिए, कि मैथ का ऐसा पोर्शन होता है जिसमें आप लोग जो है अंकों का फेरबदल देख सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चनों का पैटर्न है ना, ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मैथ के क्वेश्चनों को जल्दी से मतलब कि अब सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैथ के क्वेश्चनों में नंबरों का फेरबदल हो सकता है लेकिन जो पैटर्न आ रहा है, ठीक है, उसमें नहीं हो सकता है, तो आप लोग इसको जरूर करें। आवेग किसके समतुल्य होता है, तो आपको बता दें आवेग जो होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन के समतुल्य जो होता है आवेग होता है, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको बता दें राइडर जो कप है आपका गोल्फ खेल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, राइडर कप आपका गोल्फ खेल के साथ जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्फ इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइडर कप आपका जो है गोल्फ खेल के साथ जुड़ा हुआ है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आपको बता दें पुष्कर जो मेला है आपका राजस्थान में आयोजित किया जाता है, पुष्कर मेला आपका कहाँ आयोजित किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, और अधिकतर एग्जामों में राजस्थान के एग्जामों में तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि पुष्कर जो मेला आपका कहाँ पे आयोजित किया जाता है, ठीक है, तो आपको बता दें राजस्थान में आयोजित किया जाता है। काफ़ी सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मेले लगते हैं, उनको भी आप लोग जरूर से पढ़ के जाइएगा, और दो तीन बहुत सारे यहाँ पे आपको बताए बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको रिपीटेड मिल सकते हैं, जैसे कि मोहिनीअट्टम बहुत बार पूछा जा चुका है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको इसका तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, तो आपको बताते हैं मोहिनीअट्टम जो है आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, मोहिनीअट्टम जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, ठीक है, मैग्नेटाइट जो होता है किसका अयस्क होता है, ठीक है, तो आपको बता दें मैग्नेटाइट जो होता है ये आपका आयरन, ठीक है, आयरन का अयस्क होता है, ठीक है, आपको आयरन का जो साइन है वो आपको
कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दें, जितने भी हमारे साथ देख रहे हैं, अच्छा से स्कोर आपको करना ही होगा, ठीक है। आपको 180 का टारगेट आपको CHSL एग्जाम में लेकर चलना होगा 200 में से, क्योंकि अगर आप लोग कट ऑफ ही क्लियर करते हैं, अगर 160 कट ऑफ गई है, 160 ही आप लोग अगर क्लियर करते हैं, तो दोस्तों फिर वहाँ पे आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें आपका जो है बाहर हो सकता है, क्योंकि जो जितनी कट ऑफ जाती है उतना तो कभी भी फाइनल मेरिट नहीं बनती, ये तो पक्का है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम से जरूर ऐड हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे भी आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ का लाभ ऐसे ही मिलता रहेगा।